देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। लखीमपुर खीरी के पत्रकारों में रोज सभी पत्रकारों ने सीएम के नाम डीएम को दिया ज्ञापन। लखीमपुर खीरी प्रतापगढ़ के सुलभ श्रीवास्तव एबीपी न्यूज के पत्रकार की हत्या 13 जून को शराब माफियाओं द्वारा की गई थी। इस मामले में सुलभ ने एक दिन पहले एडीजी प्रयागराज को एक प्रार्थना पत्र दिया था, अगर समय रहते प्रशासन सचेत हो जाता तो आज स्वस्थ सुलभ जिंदा होते। पत्रकार हत्या मामले में लखीमपुर खीरी के पत्रकारों में रोष है। आज सभी पत्रकारों ने सीएम के नाम डीएम को दिया ज्ञापन। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया, वैसा क्या मांगे हैं? पूरे प्रदेश और देश में पत्रकारों की हत्या का सिलसिला बराबर चल रहा है। इसी तरह जनपद प्रतापगढ़ में 13 जून को देश के जाने माने न्यूज चैनल एबीपी के रिपोर्टर सुलभ श्रीवास्तव की हत्या की गई। बड़ी बेरहमी से हत्या की गई। उनकी नग्न बॉडी मिली जो सभी पत्रकारों के लिए बड़े आक्रोश और बड़े दुख का विषय है। हम लोगों ने इसी परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी के द्वारा, इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाए और आर्थिक सहायता दी जाए परिजनों को सुरक्षा प्रदान की जाए। सबसे बड़ी बात यह है, एक दिन पूर्व 12 जून को ही एडीजी पुलिस को पत्रकार ने एक पत्र दिया था, इसमें लिखा था कि शराब माफिया मेरी हत्या कर सकते हैं, और वही हुआ। वो शराब माफियाओं के खिलाफ कवरेज कर रहा था और शराब माफिया इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो गए कि इतने बेरहमी से पत्रकार की हत्या कर दी। ये भारतीय लोकतंत्र पर भी प्रश्न चिन्ह है।